राधे राधे मित्रों, ये है राधा रानी के गांव का बस स्टैंड, बरसाना का बस स्टैंड। मित्रों तो आज हम आए हुए हैं बरसाना में, और आपको दिखाएंगे मंदिर और राधा रानी का घर भी दिखाएंगे और पूरा बरसाना दिखाएंगे। तो मित्रों आप देख रहे होंगे, ये बरसाना की ठीक बराबर में गली है, मतलब बस स्टैंड के बराबर में गली है। वो सामने मंदिर देख रहे हैं, वो चोटी पे पहाड़ के ऊपर, वहाँ से पूरा बरसाना दिखाई देता है और उस मंदिर पे हम आपको लेके जाएंगे। ये हमारा पार्ट टू वीडियो, इससे पहले एक और वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से एक गली गई है, दो गलियाँ गई हैं, एक चढ़ाई की है और एक सीढ़ियों से है। चढ़ाई से आप अपनी कार बाइक ऊपर तक ले जा सकते हैं मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं और ये सीढ़ियों वाले रास्ते से हम चलेंगे, आपको सबसे शॉर्ट रास्ता दिखाएं। किसी को भी पूछ लेना कि लाडली जी महाराज के मंदिर जाने का रास्ता कौन सा है, यहाँ हर कोई आपको बता देगा मित्रों। तो ये यहाँ से सीढ़ियों से शुरू होता है मित्रों। अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा है क्योंकि हम होली के टाइम पर अभी आए हुए हैं, इसीलिए थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है मित्रों। तो यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता शुरू होता है, ये सबसे शॉर्ट रास्ता है और मात्र 5 मिनट का रास्ता है। उधर से जाओगे तो आपका 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक लग जाते हैं। तो अभी चलते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके ऊपर पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब मित्रों हम ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए अब गेट के पास आ गए हैं मंदिर के, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। और हम ऊपर से आपको थोड़ा दिखा देते हैं बरसाना कैसा दिखता है। ये देखिए बरसाना, और भी ऊपर लेके चलेंगे, चोटी तक लेके चलेंगे मंदिर की, और वहाँ से भी आपको बरसाना दिखाएंगे और श्री राधा रानी जी के दर्शन भी कराएंगे और ऊपर आपको लेके चलेंगे अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, हम गेट पर लिखा हुआ श्री लाडली जी महाराज बरसाना। तो ये लाडली महाराज बरसाना जो है राधा जी के गांव के जो बरसाने वाले हैं, वो राधा जी को लाडली जी महाराज के नाम से जानते हैं। वो अंतिम राजा थी यहाँ की, और उसके बाद कोई राजा नहीं मिला। आज भी यहाँ के लोग उन्हें राजा ही मानते हैं, इसीलिए उन्हें ये लोग राधा रानी नहीं मान, राधा जी नहीं कहते हैं, लाडली जी महाराज कहते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने कहा था होली का टाइम है इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हम होली पर आए हुए हैं यहाँ पे और बहुत भीड़ भाड़ होती है, हम होली के दूसरे दिन आए हुए हैं। तो ऊपर से बरसाना देखिए कैसा दिखता है, पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हम किसी जहाज़ वगैरह में से देख रहे हों, ऐसा लगता है। जहाज में हम कभी बैठे नहीं हैं पर यहाँ से ऐसा ही लगता है। तो ये था यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये राधा रानी जी का महल था पहाड़ पर। कितनी भीड़ है देखिए आप, पूरे सीढ़ियों तक जो भीड़ दिखाई दे रही थी आपको वो पूरा भर हुआ है। अब 4:30 बजने वाले हैं, मंदिर खुलने वाला है, और भी ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी। अब हम ऊपर पहुंच के आपको वीडियो बना के दिखाएंगे जैसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मित्रों हम ऊपर आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह के पास में, और हम सबसे ऊपर हैं। अब आपको थोड़ा सा अब ऊपर से दिखा देते हैं बरसाना कैसा दिखाई देता है। हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं मंदिर पे सीढ़ियों से चढ़ के, और ये देखिए बरसाना इधर कितना दूर तक दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अब हम आपको गर्भगृह के भी दर्शन कराएँगे यहाँ पर, और आपको थोड़ा दिखा देते हैं गर्भगृह पहले। अब चलिए तो देखिए, ये है गर्भगृह, सामने आप देख रहे होंगे, और उधर आप थोड़ा मेरा कैमरा वहाँ तक साफ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा, हो सकता है आपको दिख रहा हो। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं किसी नई और यात्रा पर, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।